Hey guys, what's up? Welcome to Tech and Tools Fair. आज की इस वीडियो में हम लोग Realme 8i के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा उस फोन के बारे में। पर उसको वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ देखने के लिए। और अगर आपको Realme 8s की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे रखा है, वहाँ जाके आप आके देख सकते हैं। पर उससे पहले आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। फ़ोन के बारे में कुछ बातें कर ले तो सबसे पहले अगर हम इसके डिज़ाइन के बारे में बात करें तो ये फ़ोन प्लास्टिक बैग के साथ है, बहुत जो कि बहुत ग्लॉसी है, मतलब एकदम मिरर लाइक फिनिश, जो कि फिंगरप्रिंट मैग्नेट है एक तरीके का। यानी जैसे रियलमी 8s का जो डिज़ाइन था वो ज़्यादा अच्छा था इससे, मच बेटर देन दिस फ़ोन। और क्या कहते हैं, स्क्रैचेस भी इस फ़ोन पर बहुत जल्दी लग जाएंगे और फिंगरप्रिंट तो आसानी से लगे जाएंगे अगर आप बिना कवर के यूज़ करते हैं। अगर आप कवर के साथ यूज़ करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। बट जो मैट फिनिश के साथ फ़ोन आते हैं उनकी लुक्स अलग ही आती है। और अगर बात करें कैमरे के बारे में तो इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आपको कैमरा सेटअप मिलेगा जो कि बिल्कुल एज इट इज़ रियलमी 8s की तरह है। ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप है जिसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो ये थी इसके डिज़ाइन के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बिल्ड क्वालिटी और इन हैंड फील के बारे में बात करते हैं। तो अगर इस इन हैंड फील के बारे में बात करो तो वहीं रियलमी टिपिकल स्टाइल, मतलब एकदम हाथ में वहीं लगना है, फील एकदम जैसे ही सारे रियलमी के फ़ोन जैसे फील आते हैं वैसे ही सेम टू सेम, ना भारी ना हल्का, एकदम परफेक्ट। पता नहीं क्या लोग कैसे डिज़ाइन करते हैं इतना परफेक्ट, कोई और कर नहीं पाता। जैसे मेरा जो प्राइमरी डिवाइस है MI 11X, वो मेरे को थोड़ा बल्की लगता है इतना, मतलब रियलमी के फ़ोन पकड़ने में इतने अच्छे लगते हैं ना कि कोई भी उसे आराम से हैंडल कर सकता है, घूम सकता है कहीं पर भी लेके। वहीं थोड़े हैवी फ़ोन्स में प्रॉब्लम आती है। और अगर इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको पीछे प्लास्टिक बैक पैनल मिलता है और प्लास्टिक का ही फ्रेम मिलता है। अगर आपका फ़ोन गिर गया अच्छी खासी हाइट से तो डैमेज हो सकता है, वैसे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि खाली स्क्रैचेस वगैरह लगेंगे। या पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात कर लेते हैं तो नीचे की तरफ आपको 3.5 mm जैक, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन मिलता है। वहीं राइट हैंड साइड पे आपको पावर ऑन ऑफ बटन और इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है उसमें, यानी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। आजकल मिड रेंज फोन में ये सब कॉमन हो गया, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर। 30,000 तक के सेगमेंट में ये सब मिलता है, जहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलना चाहिए था। तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर ट्रेंड में चल रहा है। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको मिलता है वो वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन और टॉप साइड पे। चलिए लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्ले। इसमें आपको 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है, एक IPS पैनल मिलता है, 6.6 इंच की FHD डिस्प्ले मिलती है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 90.8% और बेजल्स मतलब एवरेज है। नीचे की चिन थोड़ी सी मोटी और बाकी के साइड के और ऊपर के बेजल्स एवरेज है। अगर एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ आपको तो रियलमी 8s में आपको इसे छोटी डिस्प्ले मिलती है, स्लाइटली थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले है रियलमी 8s से इसमें। और एक बड़ी बात और, रियलमी 8s में आपको 90 हर्ट्ज मिलता है और इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। और डिस्प्ले की ब्राइटनेस के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। और एक स्पेसिफिकेशंस की तरफ देखते हैं तो ये पहला फ़ोन है जो हीलियो G96 पे आता है। ये हीलियो G95 का अपग्रेड है, नहीं मतलब थोड़ा सा ही अपग्रेड है, यानी अपग्रेड अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। मतलब CPU में कोई अपग्रेड नहीं है, GPU डाउनग्रेड चल गया उल्टा, यानी जहाँ पे अपग्रेड आना चाहिए थे वो डाउनग्रेड चल गया थोड़ा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। इसमें कुछ कुछ चीज़ें अपडेटेड जो है उसके बारे में चलिए बात कर लेते हैं। जो हीलियो G95 था वो 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता था और ये हीलियो G96 120 हर्ट्स को रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जो कि एक अच्छी बात है। और एक और फीचर है इसमें, ये अडेप्टिव रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है जो कि 1 nits तक चली जाती है आपकी ब्राइटनेस। अगर गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो यानी एक गेमिंग प्रोसेसर है, मतलब बजट गेमिंग प्रोसेसर है, तो आपको गेमिंग में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम ग्राफिक्स पे खेल सकते हैं और BGMI HD हाई पे खेल सकते हैं, यानी आप स्मूथ से अल्ट्रा पे खेल सकते हो, HD हाई पे खेल सकते हैं, तो आपको गेमिंग में इतनी प्रॉब्लम वगैरह नहीं आएगी। एडिटिंग वगैरह भी आप आराम से कर सकते हो इस प्रोसेसर के ऊपर और डेली टास्क तो आपके आराम से निकल ही जाएंगे। और ये एक 12 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। इसमें आपको दो वेरियंट देखने को मिलते हैं, एक 464 GB और इसका अपर वेरियंट आता है 6128 GB। इसमें आपको LPDDR4X रैम और UFS स्टोरेज 2.1 देखने को मिलते हैं। और इसमें आप 5 GB तक रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी 6 से लेके 5 GB बढ़ा सकते हैं, 4 से लेके 5 GB बढ़ा सकते हैं। UI के बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें आपको मिलता है एंड्रॉयड 11 बेस्ड रियलमी UI 2.0, जिसमें आजकल एड्स खूब ज़्यादा चलने लगे हैं, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। प्री इंस्टॉल्ड ऐप आते हैं जिसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आपको कुछ ऐड्स देखने को मिलेंगे नोटिफिकेशन पैनल में कभी कभी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फ्यूचर में अपडेट के साथ अगर रियलमी सुधार करे तो बहुत अच्छा है। वैसे भी इनकी UI इतनी वो नहीं है, मतलब क्लियर है। और इसमें आपको गूगल डायलर मिलता है, सच्चा डायलर। अगर आप वॉइस रिकॉर्डिंग करोगे तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। तो कैमरे के बारे में बात कर लेते हैं तो ये पहला फ़ोन है रियलमी का जो 50 मेगापिक्सल सेंसर के साथ आता है।
और इसके साथ आपको एक 8 मेगापिक्सल नहीं मिलेगा, 2+2 मेगापिक्सल का मैक्रो और डेप्थ कैमरा मिलता है, जो कि मतलब आज के टाइम पे वेस्ट है बिल्कुल। मतलब ये डुअल कैमरा सेटअप भी देते हैं, मगर इनको एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देना चाहिए था। 50 मेगापिक्सल का जो मेन सेंसर है, यानी वो बहुत अच्छा काम करता है, अपने अच्छी फोटोज़ निकालता है, चाहे डे लाइटिंग हो या नाइट की लाइटिंग हो। प्लस तो मैक्रो और डेप्थ कैमरा ठीक ही है, तो 2 मेगापिक्सल से आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं, पर एक अल्ट्रा वाइड कैमरा होना चाहिए था, क्योंकि 14 हज़ार या 15 हज़ार रुपये का ये फ़ोन है। इतने पैसे हम लोग अगर लगा रहे तो हमें एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलना चाहिए था, जो कि हमें नहीं मिला। तो ये एक बहुत डिसअपॉइंटेड बात है। पता नहीं रियलमी वालों को क्या हो गया, इन्होंने रियलमी 8S में भी नहीं दिया था अल्ट्रा वाइड कैमरा, ना कि रियलमी 8i में भी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया, जो कि एक सबसे बुरी बात है। मेरे को ये इस पर रियलमी को सुधार करना चाहिए, मेरे को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। बैटरी के बारे में बात करते हैं, तो इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 18 वाट फास्ट चार्जर। तो इसकी मतलब बैटरी ठीक ठाक है, यानी मैंने रियलमी 8S में कहा था कि 5000 mAh बैटरी बहुत है, क्योंकि वो एक 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर ही है, डायमेंसिटी 810। तो 6 नैनोमीटर और 12 नैनोमीटर में बहुत 6 नैनोमीटर का फ़र्क है, तो वो बैटरी आराम से 1-2 दिन चला लेगा 6 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर। और ये 12 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर हीलियो G96 आपका फ़ोन 1 दिन भी चला सकता है, तो शायद शायद चल जाए, अगर आप हैवी टास्क नहीं करते हो, यानी आपको खाली कॉल वगैरह करने हैं तो आपका 1 दिन आराम से निकल जाएगा। पर अगर आप हैवी टास्क वगैरह करते हो तो आपको फ़ोन को कम से कम तो 2 बार चार्ज करना पड़ेगा, और चार्जर भी इसका 18 वाट का है, तो आपके 2 घंटे तो आराम से चले ही जाएंगे। तो ये चीज़ मुझे एक अच्छी नहीं लगी, पर आप इस बजट में और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इनमें इनकी भी कोई गलती नहीं है। तो अब कनेक्टिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक 4G फ़ोन है, अगर आप ऐसा सोच के ले रहे हैं कि आपको 2-2.5 साल चलाना है फ़ोन, तो एक बार इस पर विचार कर लीजिएगा, कहे कि ये 5G आने वाला है इंडिया में। तो 4G वोल्टेज सपोर्ट करता है, ड्यूअल बैंड वाईफाई मिलता है आपको इसमें, ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है, सारे सेंसर्स मिलते हैं, L1 वाइड वाइन का भी सपोर्ट है, बाकी सारे फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस लॉक सब अच्छा ही काम करते हैं, क्वाइट वेल अच्छा काम करते हैं। और बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया के बारे में, तो मल्टीमीडिया आपको वॉच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो एक IPS डिस्प्ले फिर भी आपको इतनी अच्छी मतलब अच्छी खासी मल्टीमीडिया आप इंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि L1 वाइड वाइन का भी सपोर्ट है, तो अच्छा ही चल जाएगा नेटफ्लिक्स वगैरह। और व्यूइंग एंगल भी इसके ठीक ठाक हैं। सो एट द लास्ट, यू शुड बाय दिस फ़ोन और नॉट, मैं तो कहूँगा मत ही लेना, क्योंकि इस बजट में और भी अच्छे अच्छे फ़ोन हैं, जैसे रियलमी का ही नार्जो 30 है एक अच्छा फ़ोन, इससे तो अच्छे स्पेसिफिकेशंस है उसके, और रेडमी का नोट 10 प्रो इससे अच्छे फ़ोन है। पर अगर आपको रियलमी का यही फ़ोन लेना है तो अब आपकी मर्ज़ी, मेरा काम था सजेस्ट करना, तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिया, आप किसी और ब्रांड की तरफ भी जा सकते हैं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी ये वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको ये फ़ोन बाय करना तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, और मैंने इस बजट में और भी अच्छे अच्छे फ़ोन्स का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।